नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुविचार कोश में। दोस्तों, क्या आप भी कोई सीजनल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? एक सीजनल बिजनेस अतिरिक्त पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप इस कारोबार को साल में कुछ महीनों तक चलाकर बाकी वर्ष के लिए आराम कर सकते हैं। दोस्तों, सीजनल बिजनेस शुरू करना आसान है और इसको करने के लिए बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है। आप घर से भी सीजनल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले साल के लिए 10 बेस्ट सीजनल बिजनेस आइडियाज। तो आइए जानते हैं, मिठाई और सूखे मेवों का व्यापार। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि त्योहार के मौसम में मिठाई और सूखे मेवों की मांग बहुत अधिक होती है। यदि आपके पास अच्छी मिठाई बनाने में योग्यता है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर ले सकते हैं जो अच्छी मिठाई बनाने में योग्यता रखता है, तो आप इस व्यापार में बहुत पैसा कमा सकते हैं। मिठाई के अलावा आप अपनी दुकान में सूखे मेवे भी रख सकते हैं। यदि आप एक बड़ा निवेश नहीं कर सकते हैं, तो आप मिठाई और सूखे मेवों का व्यापार घर से शुरू कर सकते हैं। पतंगों का व्यापार। पतंग व्यवसाय सीजनल बिजनेस की सूची में अगला सुझाव है। भारत में पतंग की मांग नवंबर के महीने से शुरू होती है और मध्य जनवरी तक रहती है। यदि आप कई व्यवसायों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, तो आप पहले पटाखों का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसी स्थान पर पतंग व्यवसाय पर भी शुरू कर सकते हैं। होली पर रंगों का व्यापार। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए दो अलग अलग विकल्प है। होली पर रंगों का व्यापार पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प अपने होली रंगों का निर्माण करना है। इस व्यवसाय के लिए आवश्यक निवेश मध्यम दर्जे का है। राखी व्यापार। राखी बिजनेस एक कम निवेश का सीजनल बिजनेस है। आप घर से भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। राखी बिजनेस में दो बिजनेस मॉडल है, पहला राखी मेकिंग का और दूसरा रेडीमेड राखी बेचने का। रक्षाबंधन के दौरान इसकी मांग बहुत रहती है। आइसक्रीम बनाने का व्यापार। अगला आइडिया आइसक्रीम बनाने का व्यापार है। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम की मांग आमतौर पर अधिक होती है। यदि आपके पास निवेश क्षमता है, तो आप आइसक्रीम बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह व्यवसाय शुरुआत में निम्न स्तर पर शुरू किया जा सकता है और अनुमानित लागत के आधार पर इसका विस्तार किया जा सकता है। रेनकोट का व्यापार। दोस्तों, रेनकोट और छतरी व्यवसाय शुरू करना अगला बिजनेस आइडिया है। यह बरसात के मौसम का मौसमी व्यवसाय है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको एक छोटी दुकान की आवश्यकता है। इस व्यवसाय के लिए आवश्यक निवेश कम है। दिवाली गिफ्ट व्यापार। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको एक छोटी सी जगह और कम निवेश की आवश्यकता होती है। आप या तो रेडीमेड दिवाली उपहार बेच सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग दिवाली उपहार के निर्माण का बिजनेस कर सकते हैं। दिवाली पर उपहारों का आदान प्रदान करने की परंपरा है। इस प्रकार दिवाली गिफ्ट बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। पटाखों का व्यापार। दोस्तों, सीजनल बिजनेस के रूप में आप पटाखों का व्यापार या फायर क्रैकर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दिवाली त्योहार के दौरान और शादी के मौसम के दौरान पटाखों की मांग अधिक होती है। इस व्यवसाय के लिए निवेश भी आपको कम करना पड़ेगा। बस इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको अग्नि सुरक्षा का एक विशेष लाइसेंस लेना होता है। क्रिसमस पर सजावट। दिवाली गिफ्ट व्यवसाय के साथ एक और सीजनल बिजनेस क्रिसमस पर सजावट व्यवसाय है। प्रत्येक वर्ष लोग दुनिया भर में क्रिसमस की सजावट पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। यह एक नए व्यापार के अवसर को जन्म देता है। इस व्यवसाय में आपको क्रिसमस पर घरों में सजावट का काम करना होता है। गर्म कपड़ों का व्यापार। सर्दियों के मौसम के दौरान गर्म कपड़े आम तौर पर मांग में होते हैं। अधिकांश गर्म कपड़े
बाहरी देश से इंपोर्ट किए जाते हैं। यदि आपके पास कौशल और सक्षम जन शक्ति है तो आप गर्म कपड़े बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए आवश्यक निवेश भी मध्यम दर्जे का है। थैंक यू।